को पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुं कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़े प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रेम पूर्वक आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों बरभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों मुबारक आगामी अपने इष्ट देव भगवान जी का पावन अवतारी दिवस जन्माष्टमी मुख से उच्चारण करने की बजाय अगर हम ये कहें पावन अवतारी दिवस तो हमें शोभा देगा, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। जन्म तो हमारे जैसे साधारण जीवों को होता है जिनके संस्कार है, भगवान तो अपने आप को प्रकट करते हैं हमारे कल्याण के लिए। इसे यथासंभव पावन अवतारी दिवस कहना चाहिए न कि जन्माष्टमी। हमें नहीं शोभा देता, जहान वाले जैसे मर्जी बोलते रहे। दो तीन भाइयों को पहले मैं खबरदार कर दूं कुछ चोट न लगे। महाराज जी वाले दिन वो यज्ञ करवाना चाहते हैं, पर मेरी आंतरिक इच्छा है कि हम रल मिलकर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वो सारा लुट के ले जाए अच्छा नहीं लगता मुझे। हम सम्मिलित रूप में करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पुण्य हम सारे बटोर लेंगे। उन भाइयों से है तो मेरे बच्चे, मैं फिर भी क्षमा चाहूंगा, क्योंकि उनके मन को चोट लगेगी। वो करवाना चाहते हैं और लूटना चाहते हैं, शायद फिर भी उनको चोट लगे। उनकी हार्दिक इच्छा है कि वो अपना रुपया कमाई सफर करना चाहते हैं उस दिन, लेकिन वो जरूर मानेंगे। आपका बड़ा हूं तो अपने बड़े गुरु का कहना जरूर मान लेना चाहिए। मिलजुल के होगा उस दिन यज्ञ सवेरे भगवान जी वाले दिन, फिर उनको चोट लगेगी। रात्रि को वो प्रसाद जो विशेष बनता है आपकी बात डबियों में बटेगा। हम हर वर्ष देखते हैं बेकदरी होती है, कड़छी से बांटा जाता है और काफी हिस्सा जमीन पे गिरता जाता है। ये आपकी बात डबियों में पहले तैयार होगा बन के, उसके लिए काफी खर्च होगा, वो भी हम मिलजुल के करेंगे। फिर भी मैं जो कमी रह जाएगी मैं इन भाइयों को बता दूंगा। जो रात को पंजीरी बनती है 12 बजे जब खोलते हैं हम आप अपना व्रत, तो वो ना भी व्रत रखेंगे तो वो विशेष प्रकार की पंजीरी बनाई जाएगी। तो भी कहूंगा आपके मन को चोट न लगे।
इन दो तीन भाइयों की इच्छा थी कि सारा खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे। मेरी इच्छा है हम लोग जो मिलजुल के कर रहे हैं, पर भगवान हम सबके हैं, मैं उचित और सुखदाय अवतारी दाता भगवान के अनमोल प्रसंग की ओर मैं कई बार कह रहा हूं और आपके मनों में सदा के लिए बिठा देना चाहता हूं। गीता का उपदेश हमें बाखुशी जीना सिखाता है। जहां ने हमें बेखुशी जीना सिखाया, रोना पीटना बेचैनी बेकरारी दुविधा हलचल विक्षेपता ये दुनिया वालों ने सिखाया, लेकिन महाराज जी ने जो हमें पैदा किया मनुष्य योनि में, मुझे और आपको और विशेषकर हमें जो हमारे सबके हाथों में गीता थमा दी। याद रखिएगा किसी भाई को इतराज हो तो मैं आपके लिए आया बैठा हूं। गीता हमें बाखुशी जीना सिखाती है। गीता का उद्देश्य क्या है मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, बाखुशी जीना, लिव टू हैप्पी एंड लीव टू हैप्पी, हैप्पीली टू लिव एंड हैप्पीली टू डाई, शाबाश। या हैप्पीली टू लीव, लिव एंड लीव, ये भी जरूरी है, जिंदा भी रहना जितनी आयु लेके आए और छोड़ना भी है शरीर को। तो भगवान खुशी से ये सिखाती है, ये एक भगवान ने कला कही है। ध्यान देना मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों मेरी माताओं बेटियों, जितनी मेरी जवानी में आई बैठी बेटियां और भरे जोबर में मेरे भाई आए बैठे, गीता बाखुशी जीना सिखाती है। बाखुशी जी सरकार, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू डाई, पर कैसे, ये कला है, बड़ी अच्छी कला। दुनिया में नाना प्रकार की कलाएं हैं, ये उत्तम कला मानी जाती है, बाकी कलाएं इसके नीचे हैं। ये श्रोमणी कला है, ये सम्राट कला है, सम्राट जिसके नीचे कई बादशाह होते हैं, जिसे अंग्रेजी में आप बोलते हैं एम्परर, और उसके अंडर होते हैं कई किंग्स जी। ध्यान दो मेरी बेटी, अब जरूर सीखो, चूंकि ये संसार भगवान ने बड़ा विचित्र बनाया है, कोई शक नहीं, बड़ा विचित्र संसार है जी। विचित्र किसे कहते हैं, मुझे कुछ शब्द बताए इसका अर्थ बताए। आपका बेटा पूछता है, बेटी पूछती है जो 14-15 साल की है कि पिताजी विचित्र किसे कहते हैं, विचित्र क्या होता है। देखिए कितने हैरानगी की बात है, रोज सत्संग सुन लो इतनी छोटी की फिलॉसफी का और आप इसके अर्थ ना बता सके। विचित्र किसे कहते हैं, विचित्र अंग्रेजी बोलते वंडरफुल मिस्टीरियस जी, हाय बिल्कुल राइट राइट राइट, बस जो बात बात में परिवर्तित हो जाए। सुनो मेरी देवियों, मेरी अंदर से आवाज आती है कि आपको ये छोटे से शब्द का कोई पता नहीं है। विचित्र होता है जो बात बात में, जैसे रंग बदले बात बात में बदल जाए। लो अभी तक ले लो, कितने शरीर हमारे, कितने ये शरीर का रूप बदल गए। मां की गोद में तो शिशु बोलते हैं, शिशु जरा चलने लग जाए तो उसे बाल अवस्था बोलती है, शिशु अवस्था बाल अवस्था। अच्छा जरा और स्कूल जाने वाला लग जाए, जिसे अंग्रेजी में स्कूल गोइंग चैप बोलती है, तो हम उसे बोलती है जो बालक अवस्था, तो फिर किशोर अवस्था 19 साल तक, जिसे अंग्रेजी बोलते हैं टीन एज 13, 14, 16 टीन एज। जरा उससे ऊंचा हो जाए तो उसे युवा अवस्था, और वो 35 साल का हो जाए तो प्रौढ़ अवस्था, और 60 से ऊपर चलने लगे या 50 से ऊपर तो वृद्ध अवस्था। लोग कितनी अवस्था है, और पैर लड़खड़ा जाए आंखों की बिनाई कम तो मरण उन्मुख अवस्था, अर्थात मौत की ओर मुंह कर लिया है जिसने, गया गया गया। कितनी अवस्था है तो हमारे शरीर की बदल जाती, और इसके चारों ओर देखो जहां भी आप रह रहे हैं कितना परिवर्तन हुआ हुआ और हो रहा, आपके परिवार में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके अड़ोस पड़ोस में, इस स्थान में। जब से मैं आया हूं यहां इस अवस्था में, 55 में आया हूं, कितना परिवर्तन इस स्थान में हो गया 56 से लेकर अब तक। तो जहां भी आप रह रहे हैं सब परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। लो आप अपने आप को देखो,
हिजाब आने से पहले आपके इरादे, आपके विचार, आपके कर्म, आपकी संगत, आपका व्यवहार, आपका लेना देना, और अब और तब, तब और अब में कितना भारी अंतर है। जितनी मेरी माताएं, मेरी बेटियां, बुजुर्ग और मेरे भाई उपस्थित है, बड़ा भारी अंतर। शादी के बाद कितना भारी अंतर हो जाता है। हम खास करके हिंदू घरानों के अंदर बड़ा अंतर, नारी चोलों में तो खास करके बड़ा अंतर। इसलिए इससे निराला संसार कहते हैं। बड़ा विचित्र निराला भी, बड़ा निराला संसार है। तो ऐसी निराले विचित्र संसार में जहां कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, जिसके लिए ये कहा जाता है अभी क्या था, अभी क्या गए, इसी का नाम दुनिया है। तो खुशी से कैसे जिया जाए, सबसे बड़ी बात तो ये है। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, सबसे बड़ी बात ये, एक जैसा हो तो फिर हालात ठीक हो, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं होता। जब हालात बदले, वाह, परिस्थितियां बदले, वाह, गतिविधि बदल जाए, वाह, उसमें अपने मन को खुश से रखा जाए, मन में कोई असर न पड़े, मन प्रसन्न होकर के दिन, ये कला सीखनी पड़ती है। 99% आज नर नारी फेल है, बुरी तरह नहीं सह सकते, नहीं बर्दाश्त। जैसे ये डेथ हुई, नहीं बर्दाश्त होता। छोटे छोटे बच्चे, दो लड़कियां, उसकी दो लड़के हैं और एक लड़का विकलांग है, और सिर्फ कमाई यही अपने ड्राइवर करते हैं जिनकी 2500 रुपये है, केवल 2500, और इतना परिवार पालना। अब ऐसे वक्त में आप लगाओ अंदाजा, मेरे ख्याल 5-6 साल तो हो गई जा रहते हुए, लेकिन अब इसको बर्दाश्त करना, बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा ही विलक्षण संसार है। कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो गीता का उपदेश किस लिए, ऐसे विचित्र संसार में खुशी से कैसे जिया जाए, है ना। कितनी शानदार कला, अपने व्यक्तिगत रूप में कितना परिवर्तन, मानसिक रूप में बौद्धिक और पारिवारिक और सामाजिक, फिर जिनके साथ आपका लेन देन का व्यवहार है, सदा कोई भी आपके साथ खुश नहीं रह सकता, सदा कोई भी नहीं। यहां तक कि श्रीमती जो आपके शरीर का आधा अंग है, वो भी आए नहीं खुश रह सकती, श्रीमान भी खुश नहीं रह सकते सदा, हालांकि आपके शरीर का बेटर ऑफ है। इतना नजदीकी रिश्ता, मां वो रिश्ता खुश रह सकती, शपा पिताजी कितना मोस्ट, नियर मोस्ट मैं क्या कहूं रिश्ता, वो भी नहीं खुश रह सकते। तो गीता में कला सिखाती है। ये मोटी बातें जरूर याद रखो, गीता है क्या, गीता भगवान का उपदेश है। अच्छा, इस उपदेश में क्या है, उच्च विचार है। वो उच्च विचारों का प्रभाव किस पे पड़ता है, मन पे पड़ता है। तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस विचित्र संसार में अपने तवाज़ुन को बनाया जाए। बहुत संक्षिप्त रूप में आप सबको मैं क्लियर कर रहा हूं, इस निराले संसार में अपने मन के तवाज़ुन को बिगड़ने ना दिया जाए। वाह, दिल के तवाज़ुन का है नाम। भगवान ने 3 योग बताया, पर योग का मतलब क्या, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जेंटलमैन, इसका अर्थ क्या है, क्यों भगवान 3 योग, मन के तवाज़ुन बना रहे। एक योग नहीं बताया, चूंकि इंसान 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के इंसान। हां, जो संसार में बुरी तरह गलतान है उनके लिए कर्म योग, जिनके वैराग बहुत थोड़ा है और संसार में गलतान है, कर्म योग। अच्छा, और जिनमें वैराग आधा है उनको भक्ति योग, जिनमें वैराग नख तक बोलता नहीं, सिर तक बोलता, छोटी का वैराग, उनके लिए ज्ञान योग। जिनके वैराग नाम मात्र का है उनके लिए कर्म योग, जिनके वैराग मीडियम है उनके लिए भक्ति योग। ना बहुत ज्यादा संसार की ओर है, ना बहुत ज्यादा भगवान की ओर है, उनको कौन सा मार्ग मिलता है, जैसे आपको मिल रहा है भक्ति योग। ना तो बहुत आप संसारी है, प्रपंची भी नहीं है, और बहुत चोटी के भगत भी तो आप नहीं है, आप दरमियाने से हैं, इसलिए आपको भक्ति योग दिलवा रहा हूं। और जो सुखदेव, विवेकानंद, गुरुदेव, स्वामी रामकृष्ण महाराज जी की तरह, क्या जिनके वैराग सिर चढ़ के बोलता है, ये हमारे शब्द विशेष है, सिर चढ़ के बोले, उनके लिए ज्ञान योग।
इसी में ज्ञान योग की बातें भक्ति में मिला देता हूं, किसी विशेष को नहीं देता मैं। मुझे कोई भी आपको आप मुझे योग नहीं मिलता ज्ञान योग के ना, मैं भक्ति में मिलाया जा रहा हूं। मेरा वही हाल है जैसे माँ हमें अलग नहीं विदाम देती थी, उसे डर लगता था कि कहीं खून आ जाएगा इनको, तो वो दूध में मिला के देती थी। विदाम तो देती थी लेकिन दूध में काढ़ के, दूध में मिला के, वो नुकसान नहीं पहुंचाते। शाबाश, इसलिए मैं अलग नहीं ज्ञान योग दे रहा, आपको भक्ति के अंदर मिला के ज्ञान दे रहा हूं। या का जो उपदेश है वो ज्ञान मिश्रित भक्ति योग, ज्ञान मिश्रित भक्ति योग, जैसे विदाम मिश्रित दूध, विदाम मिश्रित दूध, या मिल रहा हमें ज्ञान मिश्रित भक्ति। चूंकि आप पढ़े लिखे हैं, सिर्फ ऐसी भक्ति दिए तो आपको जल्दी समझ नहीं आएगी, जरा ज्ञान के साथ समझाया जाए तो भक्ति जल्दी पिकअप करेंगे, जैसे हम लोगों ने इसको पिकअप किया। तो ये याद रखिए, प्रतिदिन देखिए क्या मेरी खुशी बढ़ती जाए, तब तो अब यहां आने का और मेरे सुनाने का बड़ा लाभ। ठोस बात, जैसे बनिया देखता है, मैं दुकान खोलता हूं, सवेरे 8 बजे आता हूं, रात के 8-12 घंटे ड्यूटी देता हूं, तो क्या मुझे कोई लाभ हो रहा है? मेरे घर के कमरे बनाने थे, बना रहा हूं या नहीं? बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चे को कपड़े अच्छे होते हैं कि नहीं? हर बार वो सोचता है, बल्कि जब उठता है दुकान को बंद करने के लिए सोच के उठता है, आज मेरा कितना नफा हुआ, क्योंकि वो आया धन के लिए है। इसी तरह मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और भाइयों, हमें सोचना चाहिए, बड़ी कुर्बानी करके, जो भी जा आता है कुर्बानी करके, चुटकी मार के नहीं आते आप। सबसे पहले तो बड़ी बात, भगवान ने आपके परीक्षा ली है, जो सत्संग दूर बना दिया, आउट ऑफ द वे, या ऑन द वे नहीं है क्या? मासी के घर में जा रहे थे और रस्ते में सत्संग भवन आ गया, आपको स्पेशल इधर आना पड़ेगा, आपका कलेक्ट पिसाने जा रही थी रस्ते भवन आ गए, ये वो बात नहीं है। ए शशि की बच्ची, जैसे भैया तेरे को स्पेशल जाना पड़ा, माँ बाप अखलौते बच्चे को घर बार छोड़कर चंडीगढ़, इसे तुझे भी माँ दी धीए स्पेशल आना पड़ता है, क्योंकि श्री पिताजी प्रातः स्मरणीय पिताजी ने मकान और दूर बनाया है, जा धीए रावी, ना कोई आवी ना कोई जावी, तो स्पेशल आना पड़ेगा आपको, बस भी उधर नहीं जाती। बड़ी अच्छी परीक्षा ली है भगवान ने आपकी, शाबाश, कठोर परीक्षा। तो जब हम इतनी कुर्बानी करके आते हैं तो हर एक को इतना स्वार्थी तो बनना ही चाहिए, इसको हम स्वार्थी तो, मेरे पास शब्द ही कोई नहीं है, तो ये स्वार्थ पर इन गुड सेंस, एक स्वार्थ संसारिक होता है वो बुरा होता है, ये स्वार्थी बनना चाहिए कि मेरे मुझे लाभ भी हो रहा है कि नहीं, क्या मेरी खुशी बढ़ती जा रही है कि नहीं, और घर में दुर्घटना भी होती है, पता नहीं कब कुछ हो जाए, ये इससे विचित्र संसार है, कोई पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, तो आप सहन कर लेते हैं, तवाज़ुन खराब तो नहीं कर लेते, आपका मन बिगड़ तो नहीं जाता, आप अपने आप को संभाल लेते हो कि नहीं? कितने विचार आपके पास, कुछ कला आपने अपना भी लिया या नहीं? तब ठोस लाभ है मेरे सजनों, और खासकर जितनी मेरे युवक आए बैठे हैं, युवक वर्ग, वर्ग बोलते बेटे, जितना एक युवावस्था में है आप सहन करती हैं? एक जैसे हालात रह लो जो नहीं, भगवान का के प्रकृति का नियम है, एक जैसे हालात नहीं रह सकते, तो फिर गीता सुनने का लाभ, गीता हमारी खुशी बढ़ाती है, दिल बताना हमारी हैप्पीनेस बढ़ती है, तो बढ़ती है जब जब दुर्घटनाएं हो जाए। हैप्पीनेस कब रहती है? जब हालात आपके अनुकूल हो, जब प्लेजेंट हो, प्रिय हो, प्रिय कहिए, अंग्रेजी में प्लेजेंट कहिए, खुशगवार कहिए, अनुकूल कहिए, हाँ, पर क्या सब दिन अनुकूल होंगे? नहीं रह सकते, कितनी का कोशिश करे अनुकूल हालात नहीं रह सकते, प्रतिकूल जरूर होंगे, चांदनी रातें हर रात नहीं होती, कभी अंधेरी रातें भी पलटने के बाद शुरू हो जाती है, प्रकृति भी तो एक जैसी नहीं रहती, देवी देवता माफ करो, मुझे माफ कर देना, देवी देवता भी आप भी, वो भी तो एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि वो भी फलक के जो बांशी है सब त्रिगुणात्मक है, तीन गुणों में है, तो तीन गुणों में रहने वाला एक जैसा नहीं रह सकता। वाह, तो आप अपनी खुशी को मेंटेन कर लेते हैं किन दिनों? जबकि हालात अप्रिय हो, जबकि प्रतिकूल ना हो,
अनुकूल ना हो, प्रतिकूल घटना घटे, इष्ट घटना ना हो। इष्ट का क्या है विपरीत अर्थ? अनिष्ट शब्बास, यह शास्त्रीय शब्द। जब अनिष्ट घटनाएं हो तो खासकर जो कुंवारी बैठी है, जिनकी अभी भी ताजा ताजा मंगनी भी हो गई है और शादी भी होने वाली है, पहले कुछ ट्रेनिंग ले लो। देखो वहां के हालात, माँ बाप के हालात कुछ और है, वहां के हालात बिल्कुल बदल जाती हैं। इसलिए पक्का कर लो आप, जो भी कुंवारी अवस्था में और जाने वाली में शादी करा के, पहले पक्का कर लो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये नहीं कि दहेज ला के चले जाओ या माँ बाप पर 3-4 लाख रुपया खर्च करके चले जाओ, नहीं। ये भी एक आप सबके लिए क्या है, प्रॉपर्टी है, ये भी एक जागीर है। गीता का ज्ञान हिंदुस्तानियों के लिए क्या, भगवान की जागीर, भगवान का वरदान है, जो हमें हर परिस्थिति में हर हाल में खुश रखता है। और हमारे देश की ये पुकार है, पूरे वही रहे मर्द, आगे फिल इन द ब्लैंक, हाय, पूरे वही गए मर्द, आगे मेरे मुंह में शोभा नहीं देगा, आपको शोभा देता है, पूरे वही गए मर्द। जरा मैं ऊंचा सुनने लग गया, जरा ऊंचा बोलना, पूरे वही गए मर्द, पूरे वही गए मर्द, जो हर हाल में परमात्मा की और कृपा आप पर हो जाए और मेरे प्रभु आपको दिव्य शक्ति प्रदान करें, हर हाल में खुश रहना। उधर गीता अपने श्रीमुख से कह रही है, जो मिल जाए लेकर वही शांत, व्हाट आर यू अटेन इन व्हाट एवर कंडीशन बट यू डोंट लूज योर माइंड। वह बड़ी चोटी की अवस्था है, व्हाट एवर यू अटेन इन व्हाट एवर कंडीशन बट यू मेंटेन योर बैलेंस ऑफ माइंड। उसको हम क्या नारी नहीं कह सकते, नर नहीं कह सकते है, उसे हम भगवती कहेंगे, उसे हम देव पुरुष कहेंगे। रियली ये जो सुपरमैन, टू द ट्रू सेंस वो सुपरमैन है। ऐसी अवस्था देखी मैं बनाया जा रहा हूं दिन प्रतिदिन, है गीता का सत्संग हमारे लिए अनिवार्य है। इस संसार में खुशी से कैसे जिया जाए, इस निराले संसार में हमारे बुरे कर्म थे कि भारत में पैदा होकर हम इतने वर्ष भगवान के ज्ञान से वंचित रहे। ये हमारे मंद भाग थे बच्चे, मंद भाग का विपरीत अर्थ होता अहभाग्य, अब अहभाग्य, पहले हमारे मंद भाग थे कि रहते हुए यहां और हम लोग महाराज जी के ज्ञान से वंचित, ये अच्छी बात नहीं। क्या हमारा जीवन था, कोई 3 शब्दों में बता सकता है? भगवान के ज्ञान के बिना जीवन क्या होता है? भगवान के ज्ञान से वंचित होकर दिन कैसे गुजरता है, सप्ताह कैसे गुजरता है, 3 शब्दों में? उदास, हताश, निराश। भारतीय कवि कहता है, अब आपको बताऊं और कभी ना भूलना, जब ये ज्ञान हमारे पास ना हो और वैसे जी रहे हो जैसे एक ऑर्डिनरी मैन, ले मैन, एक सामान्य या एक सामान्य पुरुष जीता है, तो उसके मन की अवस्था क्या होती है? दिन भर में, सप्ताह में और पक्ष में, पक्ष किसे कहते हैं? 15 दिन, फोर्टनाइटली, उसे पक्ष बोलते हैं, पक्ष में या मास में, तो कैसे दिया जाता है? लो, कभी नहीं भूलना, कभी हंसना, कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना, ये एक साधारण जीव दिन गुजारता है, कभी हंसना, कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना, जब भगवान का ज्ञान ना हो। और जब भगवान का ज्ञान हो, रहे उसका दिल रूह से आत्मनियव आत्मना तुष्ट, वाह मेरे मालिक वाह, नाउ इज इंटायरली सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ। हमारी खुशी का इन हिमसेल्फ, नॉट इन अदर्स, ये कितनी गजब की बात है। लालच तुम्हारा करो अपनी आप को, ये कहकर खुशी मेरी, क्या बोलू आगे, मुट्ठी में तेरी, 99% पढ़े लिखे भी ये महामूर्खता कर रही है। अर्थात इट इज नॉट ओनली एरर, नॉट मिस्टेक, बट ब्लंडर। क्या गजब, खुशी मेरी है, मुट्ठी में तेरी, मैं पास हो जाऊं, मेरी खुशी यूनिवर्सिटी के इतने कागज में, शेड। और फिर मेरी, मुझे मिल गया सर्टिफिकेट, मेरी सेकंड ईयर आ गई, फर्स्ट ईयर आ गई, और फिर मैं रोता रहता हूं, क्यों? मेरी खुशी नौकरी में, मुझे नौकरी नहीं मिलती, लख लाना तुझे,
यानी चंदे के रुपयों में ढाई हजार या तीन हजार चार हजार के रुपयों में और क्या जला करना देखो जरा खुशी उसकी कहां है अपने पास नहीं है। फिर आगे खुशी मेरी छोकरी में भी एक छोकरी मिल जाए ना पली पलाई मुझे खुशी मेरी छोकरी के अंदर। और जब छोकरी मर जाएगी तो फिर क्या बनेगा जब छोकरी मेरे अगेंस्ट जाएगी तलाक दे देगी या कोई और बैठा मैं नहीं आती मैं अपने मां बाप के घर में रहूंगी आऊंगी तब जब तू मुझे अलग रखेगा मकान अलग ले ले अलग सारा सामान ले ले जो मेरा दहेज था अलग मकान में रख और मुझे रात्रि को 11:30 बजे बुला और मैं देखने आऊंगी माँ के साथ और अगर अलग मकान होगा अलग मेरी सारी चीजें आई पड़ी होंगी और मेरी जो चप्पलें आई थी वो भी साथ आएंगी तब तो मैं आके रहूंगी खुशी मेरी और 3.5 हाथ की छोकरी में। आगे सब कुछ है मकान भी है सब कुछ अभी दोनों रो रो के पिटते हैं क्यों खुशी मेरी इतने से छोकरे के अंदर जो के कुतिया का गुल्लर होता है गुल्लर वे मेरे घर में गुल्लर क्यों नहीं हुआ सर देखी जाइए आज का इंसान पढ़ा लिखा एजुकेटेड बी एजुकेटेड इज ए फूल अपनी खुशी को इतने से लड़के में रखता इतना इतना वे घर में मारे वाई वाई नहीं हुई वे दिन रात वाई वाई हो जाए एक छोटे से काके के अंदर कहां जा रही है हमारी खुशियां हिंदुस्तानी है जहां भगवान जी ने अवतार लिया हर वर्ष हम याद करते हैं भगवान के अवतार को सारा दिन हम व्रत रखते हैं पर हमारी खुशी कहां है जबकि अवतार लेके उन्हें खुशी हमारी हमारे पास दी थी आत्मनिएव ये जब अर्जुन ने प्रश्न किया प्रभु मुझे बताइए जो आप तक पहुंच चुके हैं हाँ समाधि लग चुकी है आपने उन्हें रजा दिया है उनके लक्षण क्या होते हैं तो लक्षण बताते हैं पहले ही भगवान ने कहा आत्मनिएव आत्मा तुष्ट उनकी खुशी उनके पास होती है। ये कितना अच्छा जीवन है खासकर जितने जवान बैठे हैं मैं उनको आह्वान कर रहा हूं सारी देवियों को आह्वान करता हूं आह्वान देवताओं को किया जाता है देवताओं को ये नहीं कह देवी देवता मैं तुझे बुलाता हूं ऑर्डनरी मैन जो यहां रहने वाले हो मृत्यु लोग उनको तो बुलाया जाता है देवताओं को क्या किया जाता है आवाहन उन्हें आह्वान हाथ जोड़ के गुट्टे टेके किया जाता है तो मैं सबको आह्वान कर रहा हूं आपके अंदर देखिए तब आप कारण का लाभ है तो खुशी मेरी अपने पास माई हैप्पीनेस इन माई सेल्फ माई हैप्पीनेस इन माई सेल्फ नॉट माई हैप्पीनेस इन अदर्स ये सिखाती है गीता जो माँ ने नहीं सिखाया बाप ने नहीं सिखाया बहन भाई ने सिखाया स्कूलों कॉलेजों में सिखाया यूनिवर्सिटी ने सिखाया किसी गुरु ने किसी अपने पंडित पुरोहित जी ने नहीं सिखाया वो सिखाती है गीता अपनी खुशी अपने से तो सुनो नेक जीवो और नेक मेरी बेटी हो कहां मरती फिरती हो लव अफेयर करके एक चमड़ी में प्यार कर लिया बात बात में रोना बात बात में पिटना वो मेरे अनुकूल नहीं है तो वो मिठा नहीं पे बोलता नहीं बोलता ना बोले अपनी खुशी को यहां गीता जी से लेके जाओ क्योंकि वहां हालात सदा आपके हालात मुताबिक नहीं रहेंगे यहां वो वक्त आ चुका है जहां कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल है ये तो वो हालात है जैसे विवेकानंद जी ने कहा था दुनिया किस तरह गए किसने विवेकानंद जी को पढ़ा तो दुनिया के दृष्टांत क्या दुनिया कैसी है जैसे नहीं पढ़ा फिर भी आपसे कहूंगा विवेकानंद जी के शास्त्र पढ़ने ही गए एकांत में बैठ के उनके ये तो पढ़िए भक्ति योग कर्म योग ज्ञान योग ये तो तीन तो पढ़ो बाकी नहीं पढ़ते ना सही तीन तो पढ़ो तो उनके अलग अलग छोटे छोटे शास्त्र लाइब्रेरी मिलती है विवेकानंद का भक्ति योग विवेकानंद का कर्म योग विवेकानंद का ज्ञान योग उसमें दुनिया क्या है कहते दुनिया को समझने के लिए उन्होंने किसी से कहा था जब लेटर होता मुझे सिक्का देना कॉइन जैसे कोई आपसे सिक्का मांगे और आप 50 पैसे का सिक्का दे दी तो दे दिया तो दुनिया कैसी है जैसे सिक्के की दो तरफे हैं ऊपर वाले तरफे क्या बोलते हैं बच्चे सुलट नीचे वाले सिक्के को उलट अंग्रेजी बोलते ऊपर वाले सिक्के को अपवर्स नीचे वाले को रिवर्स दुनिया क्या है अवर्स ऑफ दी कॉइन एंड रिवर्स ऑफ दी कॉइन अवर्स एंड रिवर्स ऑफ दी कॉइन बहुत अच्छा दृष्टांत है अनुभवियों का बड़े अच्छे दृष्टांत क्या करूं मेरे अंदर बड़े गहरे उतर गए हैं अनुभवियों के शब्द और अपने इष्टदेव महाराज जी के अनमोल उपदेश बहुत गहरे उतर गए दुनिया सुलट और उलट सिक्के की तरह है दुनिया सुलट उलट कभी
तो सिक्के को दो उंगलियों पर रखो और मटकाओ इन उंगलियों को, मटकाना या सिक्का रखो और अंगूठे को मटकाओ फर्र, तो क्या कभी ये सिक्का उलट पड़ेगा, कभी ये सिक्का सुलट पड़ेगा। इसलिए दुनिया क्या गए, कभी हालात अनुकूल होंगे, कभी हालात प्रतिकूल होंगे, कभी प्रेजेंट कभी अनप्रेजेंट, कभी प्रिय कभी अप्रिय, ओहो कभी खुशगवार कभी ना खुशगवार, कभी फेवरेबल कभी अनफेवरेबल। देयर ऑल इज पॉसिबल टू लिव हैप्पीली ग्लैडली पीसफुली एंड मोस्ट कामली। ऐसा सोच मेरी बच्ची, ये धर्म भूमि भारत हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है बेटी, चूम चूम के आप इसको भी चूमो, कभी माँ को चूमो कभी बाप को चूमो कभी इसको चूम कभी उसको चूम, एक बार अपनी संस्कृति को भी चूमो। और संस्कृति का सिंबल है गीता, गीता हमारी संस्कृति का साकार रूप है। आहा शबाश, तो समझिएगा वरना सिक्के की तरह उलट उलट होते रहेंगे। अपनी खुशी को अपने पास, ये सिखाती है गीता, मेरी खुशी मेरे पास रहे, मैं अपनी खुशी के लिए दूसरों का मुंह न तकूं। आज जला कर देखो नारी जाति खासकर मुंह तकना पड़ता है दूसरों का, ये ऐसे हो तो ऐसी, ये कोई जीवन है बच्चे, मर जाना अच्छा, ये गंदा जीवन है। खुशी मेरी मुट्ठी में तेरी, गलत। अपनी खुशी को डॉक्टर की दवाइयों में देखती है, डॉक्टर साहब देखो ना क्या हो गया, अरे क्या बन गया आपको, क्या हो जाएगा मुझे, देखो ना डॉक्टर साहब बुखार तो उतरते को नहीं, एक तो तीन पे रहता है। वो बेटी मैं तरीका बता तो उतारने के लिए, बता बाबा बता, भगवान से प्रार्थना करो प्रभु मुझे सेहत बख्शो, मैं हर रोज सवेरे शाम आपका जाप करूंगी, ना उतरे तो मुझे आकर के लांते मार के स्टेज पर बेइज्जत कर लेना। हम तो करते एक एक बात का सुनाई देते हैं, एक एक बात, मैं आज कल का हूं, कल आज का नहीं, मैं आज कल का मॉडल हूं। एक बार आप दिल से वचन दो, हम जो तुम्हारे परम पिता है उन्होंने पाठ पढ़ाया, मैं सारे जहां का हूं मत, हर सच्चे मन से वचन दो, सारी शाम में भर्ती करूंगा। क्या हम जो सच्चे भक्त हैं, मैं मनु में वचन देती हूं, सवेरे भी नहाने धोने के बाद 10 मालाएं आपके नाम की है, शाम को सोने के पहले 10 मालाएं, ये मेरा वचन होगा मेरा वादा, और मुझे सेहत बख्शे और मुझे सेहत दोगे वो मैं बुरे कर्मों में नहीं लगाऊंगी, मैं अच्छे कर्मों में लगाऊंगी। फौरन भगवान सेहत बख्शे, समर्जन में ख्वाहिश है इंसान की, मैं दुश्मन न हो धर्म, अर्जुन जो धर्म की इच्छा होती है वो मेरी है, मैं फौरन नहीं करता। डॉक्टर के पास जाने, डॉक्टर मेरे जी डॉक्टर मेरे वो मेरे मैं मर गई, मैं चूंकि शरीर के साथ हमारी अटैचमेंट है, और खुशी मेरी डॉक्टर जी के बोलने में, खुशी मेरी डॉक्टर जी के टेबलेट में और उनके कैप्सूल में और उनके टीकों में, रोने की बात कर रही हूं, मेरी खुशी डॉक्टर को टीकों में और टीके लगा लगा के मैं थक जाऊं, जब इधर में लगते थे इस जगह लगते हैं, रब्बा लेट नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, नीचे सारी चक्की खराब हो जाती है, जो चक्की रब ने बनाई है नीचे, ये टीके मार देते हैं और मेरी खुशी इन टीकों के अंदर है। कभी मैं विशेष बीमारी ढूंढते गए चुटिया मार मार के, रब्बा मेरे क्या पुत्रों के हाथ में हाथ दे देती है, पहले टीका लगा ले, और वो चूटी मारकर नारी की करना भी है, वो नारी नहीं मिलूंगी और नारी नहीं मिलती कि आखिर मुझे तरफ मेरे बोले, तो कैसे ढूंढ ढूंढ के खुशी मेरे टीके के अंदर। बेटे नहीं इनकलाबी बन जाओ, क्रांतिकारी बन जाओ मेरे बेटे, अपनी खुशी अपने पास, टीकों में नहीं, बोलियों में नहीं, टेबलेट में नहीं, और उसके कैप्सूल में नहीं है, बच्चे किसी है अपने अंदर, जल्दी करो तब तो सत्संग आना लाभ होगा, तब अवतार अवतारी प्रभु का अपावन दिवस मनाना सफल हो गया, कि अपनी खुशी अपने से ले लेंगे, वो बहुत अच्छे, उसको भगवान कहती है वही है मेरा भक्त जो अपनी खुशी के लिए किसी के दर पे नहीं जाता, जो अपनी खुशी के लिए किसी का चेहरा नहीं तकती रहती, जो अपनी खुशी के लिए नौकरी की वैकेंसी नहीं ढूंढती रहती, जो अपनी खुशी के लिए डॉक्टरों के घर पर धक्के नहीं खाते रहते, जो अपनी खुशी के लिए मैट्रिमोनियल के पन्ने नहीं देखते रहते, उनके मेरे श्याम जी की बड़ी कृपा है।
Both are most enlightened. आए मनाए भगवान का पावन दिवस, उनकी खुशी अपने पास है, जो अपनी खुशी के लिए दूसरों का मुंह नहीं तकते। हाय आहा आहा आहा, जो गैरों का मुंह तकते हैं, भारतीय कवि क्या कहता है, जो गैरों का मुंह तकती रही वो तस्वीर बनकर लटकते हुए, वो इंसान नहीं है, वो तस्वीर है, वो फिर तस्वीर अपने घर में लटका रखी देखती रहती है परिवार वालों को, इसलिए दूसरी का मुंह देखो। गलत, आज के बाद आपको मेरे भगवान मेरे अवतारी दाता की कसम, गुरु खुशी के लिए दूसरे का मुंह मत तको। ये धर्म भूमि भारत है, पुण्य भूमि भारत है, ये सृष्टि जो भरपूर भारत है, हमारी संस्कृति की विशेषता क्या है, त्याग, हमारी संस्कृति की याद रखना, भारतीय संस्कृति की विशेषता त्याग, हमारी संस्कृति में त्याग मुख्य है, हमारी संस्कृति ये सिखाती है मर के सबको छोड़ जाए तो क्या छोड़ गए, नानक जिंदगी में त्याग करना सीखते चलो, ये आपकी संस्कृति कहती है, दूसरे देशों तो मर के छोड़ जाती है, हमारी संस्कृति में एक धीरे करके त्याग करना सीखो, अगर घर में बाल को फकीर मांगने आते हैं माँ मां ना दे पुत्र को दे, काका चुटकी भर आता दिया, शुरू से हमारे हिंदुस्तान से पूजा जाता है, त्याग कहां से शुरू होता है, बच्चे की मुट्ठी से त्याग शुरू हो जाता है, बच्चा चुटकी भर आता है उसके खप्पर में डाल के आओ, उसके भिक्षा पात्र में डाल के आओ, वो त्याग की शुरुआत होगी, जब बच्चे में बाहर आ गए उनको पूजा दे के आओ, हम अपने बच्चे को त्याग सिखाते हैं, जब बच्ची अपनोश की गली जिसे बूझ लेती है, हाँ मैंने सब्जी बना ली लेकिन ये फूल के बारी डंठल बच गए हैं, फूल गोभी के डंठल ये थाली में डाल के जब बच्चे उसकी खुली में डाल के आए, वाह 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 भारत की माँ वाह, बच्चे को शुरू से त्यागी सिखा, त्यागी बनना सिखा रहे, शुरू से वन वेरी बिगनिंग, हमारी संस्कृति में मुख्य मुख्यता क्या है जी, त्याग, हमारी संस्कृति में मुख्यता त्याग है, शाबाश, शुरू से हम त्यागी बनते हैं, जरा सा बाहर निकलोगे और देखो कोई भिखारी है नहीं आ जाएगा आपसे, फौरन पर्स को ढीला करके आप कुछ डालोगे, आहा तो बाबा त्याग से क्या होता है, अंतःकरण निर्मल, जितना हम प्राणी पदार्थों से ममता तोड़ते जाएंगे, वो सिक्के में मेरी ममता त्रिपिटा सिक्का मैंने दे दिया, मुझे देना आ गया, त्याग करना सीख लिया मैंने, हाँ आए दिन हमारे शुभ दिन आते हैं तो हम त्याग किए कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कभी कपड़ा दे जैसे अभी आपने कितने किलो लाखों रुपए का आपने मांग दिया, लाखों का शाबाश, जो हमने अंदाजा लगाया वो सब पौने 6 लाख का दान हो गया, इन दिनों 20 दिनों में पौने 6 लाख का दान, शाबाश, दीदी का किसी को महसूस नहीं हुआ, ये इसी कहावत थी, जने जने की लकड़ी और अनेक जनों का बोझ, कितनी की मदद होगी, कितनी चीजें आपने दी है जो मेरी उसमें काम आती है, इससे क्या होगा, उनसे दुआ निकलेगी, हमने भी अपनी ओर से कोशिश बहुत की है पहुंचाने की, उसको याद को वार को वार को, अभी तक भी छोटी सी चीजें बची पड़ी है, तो ये क्या हुआ, उनसे दुआएं जिससे आपका अंतःकरण निर्मल, तुर्त दान, आगे हमारा भारत क्या बोलता है, महाकल्याण, तुर्त दान इसे अंतःकरण निर्मल, तो हमारी संस्कृति में विशेष रूप में संस्कृति में विशेषता किसकी है, त्याग की, वेरी गुड, हमारी संस्कृति में प्रोनोमिनेट क्या करता है, उन्हें बोलते हैं प्रोनोमिनेट, रिनाउंसिएशन, त्याग करने अध्यक्ष शब्द है हमारा रिनाउंसिएशन, रिनाउंस करना हम जानते शरीर कहते हुए, बाकी देश के वासी क्या है, बाकी विदेश वाले मर के छोड़ते हैं, हम जिंदगी में बाई इंस्टॉलमेंट देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते बाई इंस्टॉलमेंट थोड़ा करके देते जाते हैं, ये बोलिए भी, इससे हमारा मन त्यागी बन जाता है, तो चीजों को छोड़ने का अर्थात ममता छोड़ने का अर्थात अपनी खुशी को अपने से ढूंढने का स्वभाव बन जाता है, कितनी रजत की बात, तब लाभ है, गीता हमें माँ खुशी जीना सिखाती है, हर परिस्थिति का मुकाबला करना सिखाती है, क्या अर्थ है हर परिस्थिति का मुकाबला करना, इसके अर्थ बताइए मुझे, गीता हमें हर परिस्थिति का मुकाबला करना सिखाती है, तो ऐसी विचित्र परिस्थिति आ गई आपने मुकाबला किया,
آپ نے کہا میں نے بد کے مقابلہ کیا ہے، میں اس کا ارتھ نہیں سمجھا، آپ مجھے کیسے سمجھاؤ گے؟ مسٹر بالی لکھنؤ ہو جاتا ہے، ایسی پرستھتی آئی نا بیٹے نے امریکہ سے آپ کو پتھر لکھا، کوئی وشیش وہاں درگھٹنا گھٹی، اب وہ آپ کو دوبارہ نہیں ہوئی، پھر آپ نے برداشت کیا یا اس کو نٹ کے مقابلہ کیا، اس کا ارتھ کیا ہوا؟ سینسٹیوٹا کا مطلب کیا ہے؟ ہائے یہ چھوٹی آپ کی بیٹی ہے، دیکھ بھالی یہ بہت اچھی بات ہے، بچوں مقابلہ کرنا آتا تھا اپنے توازن کو بگڑنے نہ دینا، یہ کہ کتنی اچھا سمجھاتی ہے، یہی میں آپ کو پرساد دینے آئے ہوں، بھگوان کا گفٹ دینے آئے ہوں، یہ گفٹ لو، زمانہ تو گفٹ کا ہو چکا ہے، یہ گفٹ لو، بھی پتا ہے کتنا شاندار گفٹ ہے، یہ پرستھتیوں کا مقابلہ کرنا ارتھات اپنے توازن کو بگڑنے نہ دے گا، اپنے سنتولن کو بنائے رکھنا، اپنے ایکویلیبریم کو ادھر ادھر نہ ہونے دینا، یہ ہے مقابلہ کرنا۔ آپ کہ میں نے پرستھتی کو برداشت کرتا ہوں، مقابلہ کرتا ہوں، ویل آئی فیس آل ڈیفیکلٹیز اینڈ آور سرکمسٹانسز، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں اپنے میں اپنے توازن کو بگڑنے نہیں دیتا، بلکہ توازن کا ہے نام گیتا، آپ کو یہ سکھاتی کلا ہے نا جی بچے، ایسے حالات ہمارے بس کی بات نہیں، حالات ہمارے بس کی بات نہیں، تو سامیش ہے حالات ہمارے مطابق نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں، تو اگر ہمارے بس کی بات کو بلکہ توازن نہ بگڑے، یہ ہمارے بس کی بات ہے، حالات سدا ہمارے انکول رہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، حالات گھٹے لیکن ہم اسے سہم کر، ہم اپنے توازن کو بگڑنے نہ دیں، یہ ہمارے بس کی بات ہے، کل گھر میں کوئی بیمار نہ ہو یہ ہمارے بس کی بات ہے، اچانک کوئی مر جائے تو ہمارے بس کی بات نہ مرے یہ ہمارے بس کی بات ہے، وہ بخار نہ چڑھے یہ ہمارے بس کی بات ہے، یہ رات کو نیند نہیں آتی تو ہماری دادی یا ہماری مور رو پڑتی تھی، نیند نہیں بھی آئی ہم لوگ یہ کرو نہ، کتنی بڑی اما کو ہمیں روتے ہوئے دیکھا، کر تو ہمارے پتا جی کے پاس ایک منتر ہوتا تھا، کیا یہ لے میل مالا لے لے، ہاں ذرا جپ کے دیکھ، تو جپتے ہی جپتے ہی پتا جی کہاں گم ہو جاتی تھی، آپ کو بتاؤں گا جب نیند آ رہی ہو تو بھگوان کا جاپ کرنا شروع کر دو، تو کیا ہوتا ہے جاپ میں مٹی ایکاگر ہوتی ہے، ایکاگرتا میں اور نیند میں انہیں بیچ کا فرق ہے، اب من ایکاگر ہونا وہی ناری نیند کی طرف جاتی ہے اور وہی ناری بھگوان کی اور بھی جاتی ہے، تو جب ایکاگر ہوا آپ کو نیند آ جائے گی، کتنے اتنے مٹتی مہاپرش میں چھوڑ گئے، نیند کب آتی جب ایکاگر پہ سنگل نکلے بند ہو جائے تو جات کیجیے کچھ جات میں من ایکاگر ہوگا، ایکاگر ہوتے ہوتے ہوتا چار مالا پہریں گے نیند آگے گر گئی، شباش تو چھوٹی بات مجھے نہیں دے رہے رو پڑا، یہ کوئی بات ملی مجھے بیٹی کو بخار ہو گیا چڑھتے اترتے نہیں میں رو پڑی، یہ کوئی بات ملی مجھے وار نہیں ملتا، یہ گلتی باتیں ہیں، ہم ایسے سنسار میں آئے جہاں اوٹ پوٹ ہوگا، جیتا آپ کو توازن بگڑنے نہیں دیتی، میری لڑکی تھی جوان ہو گئی ہے، میری تین لڑکی ہے، بڑی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، مغنی نہیں ہو رہی، تو کیا ہو جائے گا جس دن ہو جائے جیسے بھگوان نے لکھا ہو جائے گا، پرساد کیا جا رہا ہے، ماں گھر کے آلات گن دے، ماں رونا شروع کر دے گی، واہ واہ انہیں کی بات بولی، ماں سے بولنے کا ماں آج سے ہی ایک ہی گاڑی بنائی، کیوں بشرم کہیں کا میں نے گرو جی میری بات پوچھی ہے، بشرم کہ تیرے باپ نے بخار چلا کیا ہے، میں نے سبزیاں بنا رہا، اچھا ماں سے ایک ہی نمبر آپ کی ماں سے میں نے بنا کھا لوں گی، اب چونکہ پتا ہی بھی بخار ہے گھر کی کیا سزا ملی ہے، میں سبزی ایک بنا دوں، اور اگر دو دن کا بخار نہ ہوتا تو سبزی بھر نمک کے ساتھ کھا لے گا، یہ کروڑ کا نکالا جا رہا ہے ہمارے کھانے پینے پہ، نہیں ایسے اچھے نہیں میرے بچے، گیتا آپ کو کتنا اچھا سکھاتی ہے، آہا جو مل جائے لے کر وہی، نہ حسد نہ پابندی اس داد، یدر اچھا لابھ سنتشٹا، مہاراج جی کے منہ شبد لے لو یدر اچھا لابھ سنتشٹا، جس طرح بھی جو آ گیا آپ کے سامنے سنتشٹ، what are you attained in what are your condition, you don't lose your balance, kitni choti ki kala hai mere paas likhe bachcho, only abhi kuch diye kitni choti ki kala hai, kisi bhi prasthiti mein kaise bhi hal ko na halat ho jaye apne
توازن کو بنائے رکھنا. میری مالک اس پر بڑی خوش ہوتی ہے. یہ گیتا کلا سکھاتی ہے. آہا کیوں نہ بھگوان کہے کیا گیتا کیا کہتی ہے, کیا 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 آہا 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 کتنا اچھا میرے بھگوان نے کہا, کتنا سندر کہتی ہے گیتا. کرم شو کوشلم, کرم شو کوشلم, گیتا جینے کی کلا, خوش رہے ہم. یہ بڑی چھوٹی کلا سیکھتے جاؤ. اگر یہ سیکھ رہے ہیں تو پھر سمجھیے مجھے آپ کے یہاں آنے کا لاب, بھگوان کی گیتا پڑھنے کا لاب, تب یہ لاب ہے. یہی تو ہم گیتا پڑھنے کیوں آتی ہیں, کیوں سننے آتی ہیں. ہر پرستھتی کا ڈٹ کے مقابلہ کرو, چونکہ زمانہ ہے وچتر. اس میں کبھی کچھ ہونا, کبھی کچھ ہونا, کبھی کچھ ہونا, کبھی شریر پہ کچھ ہونا, کبھی پریوار میں کچھ ہونا. ورنہ سیانے کہیں گے اے جتنے سر آگے کا بولوں اتنی پیڑا. ماں باپ نے پیدا تو کر دیے ہے پر مصیبت پیدا کر دی ہے. کبھی ماں بھی مارتے ہیں من پہ اثر, کبھی پتا بھی مارتے ہیں من پہ اثر, کبھی بہن گری پڑی ہے تو من پہ اثر, کبھی بھیا کا علاج برے ہوئے تو, کبھی بھابھی آ گئی ہے تو. بیوی کو کیسی نہیں تھی, گھر میں خوشی ہو ہی نہیں سکتی. کبھی کچھ ہوگا, کبھی کچھ ہوگا, کبھی اس کو, کبھی اس کو, کبھی یا اور واہ, اس میں گھر میں ماتم ہی چھایا رہے گا. یہ اچھی بات ہے. اس لیے بھگوان نے ہمیں گیتا دی ہے. وہ کیا کہتی ہے, ڈٹ کے مقابلہ کرو پرستھتیوں کا. نہیں تو ارجن نے ڈٹ کے کہا ببر شیر بن کر کے بجا بلند کی یہ گرے ہوئے ارجن نے, پتا چل گیا, پتا چل گیا دل ہے مضبوطی. بجا لاؤں گا آپ کے حکم سے. کتنا غضب کا جواب ہے ہماری سورما کا. مجھے اصلیت کا پتا لگ گیا میرے شہنشاہ, اور میرا من مضبوط ہو گیا. جو کچھ کہو گے نٹ ٹو ڈیزرو وائی, نٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی, نٹ ٹو ڈیزرو وائی. کسی وچنوں کا حیثیت بنا دیتی ہے ارجن کی شرط. اب یہ بدر شیر بن گئے, میں گیجر بن گئے تھے پربھو, تھا تو میں ماں رکھی لیکن میں تو بن گئے تھے گیجر. اب مجھے چوٹی کا جان مل گیا, بڑے بڑے مضبوط ہو گیا. اب جو کچھ بھی کہو گے بس داتا, تھاری مرضی میں ماری مرضی, تھاری مرضی میں ماری مرضی, اور تھاری آگیا بس اسی میں میں زندہ رہوں گا. یہ مرضی ہوگی, یہ ہے شاندار. جو مرضی ہوتا رہے اب پتا چل گیا دل ہے مضبوط. سیانے بنے میرے بچے, گیتا ہی سکھا دیتی ہے ہر حال میں خوش رہنا. اور جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں وہ کیا, وہ دوسروں کے اپنی خوشی کو, دوسرے خوشی میری مٹھی میں تیری ہے. اور ہم کہیں گے خوشی میری میرے اپنے پاس. بیٹی لانت کی بات ہے, اب آپ بھلے شریر ناری کا ہے لیکن من کس کا ہے, بھگوان کا. ہم آپ کا من رنگتا جا رہا ہے بھگوان کی جان میں, من بھگوان کا ہے. جیسے میرا نے کہا تھا, رانا جی میری شادی تن کی آپ کے ساتھ ہوئی ہے, من تو میرے دل دل گوپال کا. تب رانے نے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ اونچے اٹھائے اور رو پڑا. پہلی بار رانا رویا تھا ان کا پتی کہ ایک پہلی بار جی شکوا دیتا ہوں جس کا اتنا سندر شریر بنایا, اتنا نرم اس کا شریر بنایا, میرے جیسا موت ہو گیا اور اس کے من کو اتنا سخت بناتے ہوئے تیرے ہاتھ نہیں کاٹتے. شریر اتنا نرم اور من اتنا سخت, شریر پھول کی طرح اور من کس کی فضاد کی طرح. یہ کیسے دو چیزیں الٹ ملا دی, شریر کیا پھول کے پنکھڑی کی طرح اور من فولاد کی طرح. میرا کا یہ تھا, دونوں اور اپوزٹ چیزیں مل رہی تھی. تجھے تیرے ہاتھ نہیں کاٹتے, نہیں کوئی تاب لے, میرا تو ادھیکار نہیں. جب لانا کہتے تھے روکے, میرا تو ادھیکار نہیں, میری شادی نہیں. آپ کی شادی ہوئی, ہاں میں میرا ادھیکار تن پہ آپ کا ادھیکار ہے. تن کیا من کیا, رانا مرتے دم تک نہیں سمجھ سکا. تن کیا من کیا, میں سے تیری شادی ہوئی ہے, تم میں تو کہتی ہوں کیا, تن بھی آپ کی شادی ہوئی ہے. من میری گردر گوپال کا ہے, تن آپ کا ہے. تو جانتی ہے میرے حکم کو نہیں مانے گی تو کہ موت, وہ آپ اپنی چیز کی موت دیں گے, پر جو من میرے گردر کو اس کی موت نہیں ہو سکتی. ہائے او میرا, او میرا تو کمال کر گئی. تن بھی موت ہے, تن آپ کا ہے, مار دو اس کو, زندہ رکھو مار دو, لیکن من تو میرے گردر گوپال کا. یہی میرے بھگوان کہہ رہے گیتا میں, تن کام میں
मन रहे, ये आपकी संस्कृति है, ये आपका है जो है जहां की सभ्यता, इंडियन मैनर्स, इंडियन एटीट्यूड, इंडियन बुटी एटीट्यूड, ये इंडियन एटीट्यूड, इंडियन मैनर्स, भारतीय शिष्टाचार, ये भारतीय संस्कृति जो तन द्वारा तो लोक के फराइज पूरे करवाती है और मन द्वारा परमोक बनाती जाती है। ये ड्यूटी से क्या होगा, आपकी खुशी बढ़ती जाएगी और आप अपनी खुशी के लिए प्राधीन नहीं होंगे। आज हमारे सारे प्राधीन है, खुशी के बिल्कुल प्राधीन है। अगर हमारे ड्राइवर घर में जाइए, न जाने जाना चाहे, जब देखो एक व्यक्ति गिर गया, कोस दीवार के साथ सिर मार रहा है, उधर पिट रहा है, छोटे छोटे बच्चे, इतने बच्चे, एक बच्चा पीछे साल हुआ है, एक बच्चा विकलांग है, छोटा सा वो उसकी मुनिया, हाय हाय मची पड़ी है। वो है तैयार इस दिन के लिए, कोई भी अपने हालत ये पेपर आना है और पेपर ये मौत अनिवार्य है। जैसे हमें अनजान के लिए याद करो क्या लिखा जाता था, अंग्रेजी बोलते थे फर्स्ट टाइम क्या है, फर्स्ट टाइम का क्या है, फर्स्ट टाइम का अनिवार्य है, शेष कोई चार की जो प्रश्न है, फर्स्ट कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी फेल, ये तो तकिया कलाम का स्टूडेंट्स का फर्स्ट कंपल्सरी, तो मौत तो कंपल्सरी पेपर है और कौन तैयारी करता है उसके लिए। तो गीता आपको सिखाती है बाखुशी जीना, बाखुशी शरीर छोड़ जाना, ये आप देखते रहो और घटना घटेगी कुछ, आप बर्दाश्त कर लोगे, आप अपने तनाजे को बनाए रखोगे, तब आपका यह आना कितना सफल होगा। जब आप अपनी खुशी को मेंटेन रखे और साथ ये भी देखो खुशी मेरी मेरे पास, मैं अपनी खुशी के लिए आप प्राधीन नहीं रहूंगा, ऐसे कपाट से कहे, गज बज के कहे मेरी बेटी, मैं अपनी खुशी के लिए कभी भी कभी भी कभी भी पराश्रित नहीं रहूंगी, पराश्रित दूसरों के आश्रित नहीं रहूंगी, मैं अपनी खुशी के लिए मैं क्या हूं, स्वतंत्र, खुशी का धागा स्वतंत्र मेरे हाथ में है, मेरी खुशी का धागा परतंत्र नहीं है कि दूसरे के हाथ में दे दो, नहीं, मैं आप मुसलमान का कहते आपकी गाड़ी तेरे हाथ में पकड़ाऊ, वो गाड़ी देते थे गंदी और बोलते थे अपनी खुशी तेरे हाथ, अपनी गाड़ी तेरे हाथ में पकड़ाऊ, नहीं सकता मोहम्मद रसूल अल्लाह, वाह साथ ही कलमा पढ़ते थे मोहम्मद रसूल अल्लाह, अपनी गाड़ी तेरे हाथ में पकड़ाऊ। आप भी जा देखो हम अपनी खुशी को दूसरों के हाथों बन रहे हो, कभी नहीं हो सकता, जबकि हम गीता के पुजारी हो, गीता के अनुयायी कराते हो, शाबाश गली गली में बच्चा बच्चा कहने लग गया चल पड़िए सत्संग में, अच्छा गीता सुनने जा रही हूं, मुझे एक एक बच्चे को पता लग गया है आनंद जी क्या आप गीता सुनने आती है, आपकी बात आती है चल पड़िए, और जवान बच्चे देखो चल रोकने वाला कोई है नहीं, सेठ के लिए गुंडा तो हाथी बड़े लुंडा, कहीं कुछ बोलती है तो उनका कहना सफर कर डालो, हाँ हम सुनने जाते हैं कुछ बनने के लिए, लोहा चला है क्या कुंदन बनने के लिए, सोना बनने के लिए हम चले आए, बड़ी एक ही को पता लगे मेरे बेटे, चूंकि मेरे बच्चे ओए 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 ओए, हाँ लव एंड कफ कमेर भी हिड, खांसी और खुशी या प्रेम छुपाया नहीं छिपते, बेटिए खांसी आ रही उठका तो छिपाओगे और आप प्रेम करती है मेरे भगवान के साथ कहां तक छिपाओगे, लव एंड कफ कैन नेवर बी हिड, बिल्कुल ठीक है, कहां तक छिपा लेंगे, तो आप सबल कर दिखाओ कि मेरी खुशी मैं सत्संग में जाता हूं तो मुझे कितना अच्छा तोहफा मिला है, अपनी खुशी अपने पास, सत्संग में गीता का है और गीता हमारे देश की संस्कृति है, देश की संस्कृति, इंडियन बेस्ट कल्चर, इंडिया की दुनिया भर में कल्चर बेस्ट, हिंदुस्तान अब भी सारे कंट्री वाले मानते हैं कि बेस्ट कल्चर इंडिया, और वो आपको मिली है उस देश में आप पैदा हुए हैं और इस कल्चर को प्रकट करने वाला भगवान कृष्ण, वो दासा कृष्ण, वो आपको अगर उन्हीं के मैं प्रचार कर रहा हूं, समझा रहा हूं, प्रचार के समझा रहा हूं, मैं तो याद मैं तो रिमाइंडर हूं, अपनी भारतीय संस्कृति का रिमाइंडर आपको रिमाइंड करवाता हूं, क्यों रोके रहे, क्यों पिटके रहे, ये हमें शोभा देता है कभी हंसना कभी रोना कभी गमगीन हो रहा है ना, मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती, कैसे इंसान गंदा हो जाता है दूसरों को देखता रहता है, नहीं एक एक अपनी जमीन को जगाओ, अपनी कॉन्शियस को जगा लो, गुड गुड कॉन्शियस है, सारी मेरी अच्छी जमीन की बच्ची है, जगाओ इसको, क्या मैं अपनी खुशी के लिए मुठाज नहीं रहूंगी, मैं अपनी खुशी के लिए दूसरे का मुंह नहीं चकूंगी,
नई खुशी मेरी अपने पास, बस ये कब गीता सुनने का फैसला आपको हो गया गीता सुनने का, अपने खुशी में अपने हाथ में। ये इसे बोलते हैं जो मेरी बच्ची ने ढूंढ लिया, जो पीछे रखा गया था। फिर लाभ क्या होता है सत्संग सुनने का, गीता सुनने का? सथेर धीरे बुद्धि, सथेर हमारी बुद्धि टिक जाती है। जो हमारी बुद्धि में भूचाल था, भूकंप था, क्वेक था उसके अंदर, हम लोअर क्वेक था, बुद्धि भाई क्या होगी, स्टैंड फर्स्ट। वाह, फोर्थ लाभ सत्संग वाले में का क्या, हमारी बुद्धि सथेर हो गई, यानी स्टेशनरी हो गई, स्टेबलाइज हो गई, स्टेबलाइज दी सॉलिड गेन ऑफ सत्संग। पहले कहते हैं स्टेबलाइज बनी थी, पहले भटकी बुद्धि थी, कभी कुछ अब नहीं। ये फोर्थ लाभ है मेरी बेटी, हमारी बुद्धि टेक गई, बुद्धि टेक गई, मन टेक गए, मन टेक गया तो तन के तन अपने आप टेक गए, तन बुरे कर्म करेगा, वो तन शुभ कर्म करेगा, तो तुम उससे कल में आ गए। अकल दृष्ट हो गई तो मन दृष्ट, और मन दृष्ट में तन दृष्ट, कितना जयकारा हिंदुस्तान का शानदार है, अकल दृष्टि में मन दृष्टि और मन दृष्टि में तन दृष्टि। दिखता है ये ग्रंथ के ग्रंथ में तालियां बजती रहूं, जब तुम वे का नाम भारतीय संस्कृति का जयकारा मारा, साउंड कट साउंड नाइन एंड साउंड नाइन विद साउंड बन, वरना अंग्रेज क्या बोलते हैं साउंड बन साउंड बन, तो तुम भुच्चर मान जाओ खुशियत रखते मांस काटे और पकड़ी काटे, मछली काटे, कुत्ता काटे, सुअर काटे, तो तुम्हारा मन स्ट्रांग रहेगा। जब तुम भारत कहते हैं गलत, बड़े बड़े तलवार अपना कहते खराब करके सेहत अपने सर को पीला बना दिया, ये सेहत थी, कैक्टर खराब कर दिया, सेठ यू होने बीमारी में। इसलिए भारत कहते ना, जिसकी अकल दुरुस्त उसका मन दुरुस्त, जिसका मन दुरुस्त उसका तन दुरुस्त, वरना वो तो माधव प्रस्त है, वो तो मेटेरियल का मानती है, जो कहते हैं वो ड्रीम आते खिलाते हैं और साथ मिलाते भी है, साउंड बॉडी साउंड माइंड साउंड बॉडी साउंड माइंड, वहां भारत आके थप्पड़ मारता है, गलत सुना भैया आप भक्त बना रहे हो, चलो साउंड माइंड साउंड बॉडी वो वेरी गुड, कितनी उनकी संस्कृति गलत है, बेसिकली रॉन्ग, बड़ी बड़ी अच्छी सेहत वाली लड़की है खराब हो गई, जबकि अपने डॉक्टर बर्बाद कर दिए, डॉक्टरों को मिठा दे गई, सेहत तो उसकी अच्छी रहती है उसकी उच्च विचार है, और उच्च विचार उसकी होती है जिसका जिसकी बुद्धि क्या सथेर धी है। मुझे अपने बेटे की जवाब ढूंढा सथेर धी, जिसे जाके कायम रतन ने कहा, तो जिस धी में बुद्धि सफेद मेरे टिक गई, जिसकी बुद्धि टिक गई, यही भगवान कहती है, जो अकेले इरादी रहे मुस्तकिल तो जक्षु और पुख्ता इंसान का दिल, ये ऊसाई आत्मी का बुद्धि एक इरादा भी खो जाते, बस बस बुद्धि टिक गई, मन आपका दोनों टिक, सो ठोस राम क्या है कि हमारी बुद्धि टिक गई, हमारे मन टिक गए, मन तो अपने आप ही टिकेगा जब आपकी बुद्धि का इरादा एक हो गया, बस ये फिर अब आपकी खुशी आपके पास, अब आप अपनी खुशी के लिए कहीं नहीं जाओगे, नौकरी मिले ना मिले, जब मिली हो तो भगवान करवा लेगा, आपकी पुरुषार्थी है भगवान दे देगा, छोकरी मिले ना मिले, छोकरा मिले ना मिले, पर आपका चेहरा लाल होगा, मेरी का दास सफा के राश रहेंगे, जिस दिन जिसके संग मेरा कोई मिलना होगा खिचखिचवा लेगी फोटो उसके संग, वह हो जाएगा ये बात, आपका खुशी आपने अपने पास रहेगी, आप अपनी खुशी के लिए दूसरों का चेहरा नहीं कटेंगे, तब आप समझ ना, मैं खामोशी ले रहा हूं कि आपने सत्संग से बहुत लाभ उठाया, यदि आप अपनी खुशी को अपनी से ले रही है, अपनी खुशी के लिए किसी की ओर नहीं तकते ना है शबाश, वरना हमारा देश भारत का देश में और ये गीत गाए कितने शर्म की बात है, मतलब परम तमन्न आन भी है और बिना मतलब मुंह दिखाए कोई कोई, मतलब पढ़े तो मना नाम अपना मतलब पढ़े तो दरवाजे पे आ जाएंगे, हाय रहे और मतलब ना हो तो बरसों नहीं पता करेंगे कि हम मोए हैं कि जिंदगी है, हम सांस ले रहे हैं कि सांस की धोखने खत्म हो चुकी है। ना मेरी देवियों, मेरे सजनों, मेरे भाइयों, हम अपनी गीता से ये सीख लो
کہ میری خوشی میرے پاس، پہلے بری دن آئے تھے، خوشی میری اور مٹھی میں تین. یہ کہاوت ہم پہ نہیں لگے گی، یہ لکوٹتی کے یوگ، یہ لکوٹتی ہم پہ نہیں لگے گی. ہم اپنی خوشی کو اپنے سے لیتے ہیں. یہ اچھا کہا بھارتی کوی نے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ ہے زندگی، کہتے ہیں اپنے میں ڈوب کے جا، اپنے بیٹوں کو مار، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ ہے زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. کتنا میٹھا تانا مارتا بھارتی کوی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ ہے زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بن تا نہ بن، اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو میرا دیسی نہیں بنتا نہ بن، کم سے کم اپنا تو متر بن جا. میں تو بھگوان کو چھٹے دے میں کہنے پڑا، وہ دشمن ہے اپنے لیے سربسر. شاباش پر اٹھا کر دے، اور گیتا کے گیان دوارا آپ اپنی خوشی اپنے سے لے. آج کے بعد پوری کوشش کرو کہ لعنت مجھے اگر اپنی خوشی کے لیے دوسروں کا منہ تکوں، اپنی خوشی کے لیے غیروں کے در پہ جاؤں، دفتروں میں جاؤں، ویکنسی دیکھتا رہوں، اپنی خوشی کے لیے یونیورسٹی کے اتنے چھوٹے سے کاغذ کی انتظار کرتا رہے، کب مجھے سرٹیفکیٹ ملے گا، پرمان پتر ملے گا. لعنت مجھے، پرمان پتر مجھے گیتا سے ملتا ہے، خوشی کا پرمان پتر، نہ کہ کسی ڈگری کا پرمان پتر. خوشی کا پرمان پتر گیتا دیتی ہے. جب تو میں انترمکھی ہو جاتا ہوں وہ اس میں میں سنتشٹ. گیتا یہ سکھاتی ہے کہ ادو اخیر میں جو کسی نے نہیں سکھایا وہ آپ کو گیتا سکھاتی ہے، جو کسی نے نہیں دیا وہ سدا رہنے والی خوشی آپ کو گیتا دیتی، جو کسی نے دیا وہ مکتی کی راہ آپ کو گیتا دیتی. مکتی کی راہ ایسی جگہ پہنچاتی ہے جا کے تو بس اب تو گرم میں نہیں جڑے گا، پہنچ کر جہاں سے نا. یہ گیتا آپ کو سکھاتی ہے، یہ تحفہ گیتا دیتی ہے، سدا رہنے والی شانتی اور آواگمن سے چھٹی یہ آپ کو گیتا دیتی ہے. جو کوئی نہ دے سکا اس کو اوتاری داتا بھگوان نے آپ کو تحفے کے روپ میں، اپہار کے روپ میں، گفٹ کے روپ میں پردان کر دیا. جو کوئی نہ دے سکا، نہ دیویا دے سکی، نہ دیوتا دے سکے، نہ برہما، نہ وشنو، نہ مہیش، وہ آپ کو نارائن نے، پرم پتا نے دے دیا. ہاردک اشدھ. اب اپنی شہنشاہ کی آج آرتی بڑے پریم اور شردا سے اتارے. Time.
सर्वं कृष्णा सर्वे संतो निर्भया सर्वे भद्रान पश्यन्तु मा कच्चि दुग्धा बने हरिओं शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसने हार्दिक धन्यवाद।